हेलो गुड मॉर्निंग, हैप्पी शिवरात्रि। तो ये है शिवरात्रि का ब्लॉग। ये है दीदी, हम लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। बीच में नदी है, दिखाती हूँ आपको। ज़्यादा पानी तो नहीं है, नदी में से जाने का मज़ा ही कुछ और है। चलिए, हाँ सूखा ही रहता था, इसको पकड़ेंगे, सड़िया उठाना पड़ेगा। चलिए पानी को धार है। हाँ अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा। इधर चाहिए, इधर से हो गया, हो गया बस। तो यहाँ पे कोई नहीं पहन रहा है। पिछले बार भाभी आई थी तो मास्क के बिना एंट्री नहीं दे रहा था, वही बता रही थी कि मास्क लाने फिर से यहाँ से घर पे गई थी। तो हम लोगों ने पानी से भरा हुआ नदी को पार कर लिया है और अब देखिए कितना कलरफुल सीढ़ी बनाया है, अच्छा लगता है मंदिर ऐसे कलरफुल वाले। तो बस अब चलते हैं और करेंगे भोले बाबा की पूजा। पूजा हो चुका है हमारा और बहुत अच्छे से हो गया है। थोड़ा रश है लेकिन अच्छे से हो गया पूजा, बहुत ही बढ़िया। और फिर से अब हमें जाना है पानी में से, मतलब मज़ा आ रहा है पानी में से जाने में। बहुत ज़्यादा पानी नहीं है बट बहुत स्पीड से आ रहा है ना, स्पीड बहुत है उसको। बहुत अच्छे से पूजा हो गया। भाभी ने क्या मांगा शंकर भगवान से, क्या पता। जो देख रहा है वो भी अच्छे से रहे, खुश रहे। आप लोगों को भी, आप लोगों के सारे सपने पूरे हो और आप ये दुआ कीजिए कि मेरे भी सपने सारे पूरे हो और सब अच्छे से हो। हम सभी के सबके भोलेनाथ सबके ऊपर अपना कृपा बरसाए और सबकी सोच अच्छी हो एक दूसरे के लिए। तो बस अब चलते हैं आगे। अधु पता नहीं परेशान की होगी शायद। तो फिर हम आ गए यहाँ पे नदी में, मतलब
इतना पानी नहीं रहता था, मैं भी एक दो बार आई हूँ पहले, लेकिन इतना पानी डाल देते हैं, पानी नहीं रहता। हाँ पानी नहीं रहता है, और ये सब पत्थर है। हाँ बोरा लगाया वहाँ पे गोनी। हाँ हाँ लोटा बिटा उसी में है। स्पीड कितना है पानी को? अरे कछु आए हुए साथ में। हाँ वो मोटा वाला चुभ रहा था, मैं बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं बोली फिर से एक दो राउंड मारते हैं इधर। अद्दू घर पे है इसलिए फटाफट जाना पड़ रहा है, नहीं तो मार ही लेते हैं ना। तो क्या करना है, क्या करना है? रिलैक्स लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब आराम से ठंडा ठंडा पानी पैरों के ऊपर से जा रहा है। तो बाबा के पानी है उसमें दर्द खत्म हो जा रहा है, दर्द पूरा खत्म। बहुत ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से दिख रहा है हमारा घर शायद। हाँ दिखता है यहाँ से। तो बस चलिए, और अद्दू ने तो पक्का आतंक मचाया रहेगा घर पे, पूरा फ्रिज व्रिज किचन विचन पूरा दिखेगा बिखरा हुआ। मैं एक्चुअली ब्लॉग करने वाली नहीं थी, लेकिन फिर सोचा भाभी ने बोला कर लो ना, बोले ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि कल दिन भर कैमरा छुआ ही नहीं, मोबाइल को हाथ नहीं लगाया, तो आज मूड ही नहीं हो रहा था। कोई नहीं, हर दिन अपना नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए, नई थिंकिंग से, नए सोच से। बाकी तो भगवान और आप सभी का कृपा। अब मैं घर पे जाके मिलूंगी क्योंकि यहाँ पे रोड है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ओम नमः शिवाय करते हुए घर जाएंगे। घर पे आ गए और अभी देखिए सोई है, तबीयत थोड़ा सा अद्दू का हमारे अच्छा नहीं लग रहा है, सिंदूर यहाँ पे लग चुका है। और गोलू अपने लिए क्या बना रहा है? मैगी। हमारा तो उपवास है, और आज मतलब मुझे याद है 10 साल के बाद, मतलब पूरे 10 साल हो गए, मतलब 10 साल में मेरे पति देव जी ने आज फास्टिंग किया। चाचू का फास्टिंग है आज, शॉकिंग। तो मैं तो बिल्कुल, मतलब बोलते ना भगवान जी, मतलब जो कुछ भी होता है ना वो सारा भगवान जी की इच्छा से ही होता है, और सारी चीजें अच्छी होती हैं। वो अच्छा लग रहा है, मैं भी शॉक थी, उन्होंने बोला आज मेरा उपवास है, तो मैंने बोला उपवास है आज। तो बस मैं तो पेड़ा और मतलब जो फास्टिंग का आता ना छेने वाली मिठाई वो खा लिया है। अदू सो गई है, वाटरमेलन कट करके रखा है, खाएंगे। और अभी कुछ बनाना नहीं है, दोपहर में कुछ मैं बनाऊँ साबूदाना या आलू फ्राई वगैरह कढ़ाई। अभी फिलहाल कुछ नहीं, बस फ्रूट्स खा लेंगे, और खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर के बाद क्या आप दोपहर में मिलूँगी, क्योंकि मैं एडिटिंग करूँगी वीडियो इस चैनल के लिए। फिर मिलेंगे, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर साबुदाना हमारा बन चुका है, ये वाला जो है सादा वाला है, और इसमें सेंधा नमक डाला है जो कि पति देव जी खाएंगे। क्योंकि तो साड़ी चेंज कर लिया था मैंने, क्योंकि अद्दू बहुत लिपस्टिक अभी तक यहाँ भी लग गया, थोड़ा सा लग रहा है। तो साबुदाना आपको दिखा, एक सेंधा नमक वाला और एक बिना सेंधा नमक वाला। और यहाँ पर मैंने बना लिया है जूस, वाटरमेलन जूस, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये, और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। तो बस वाटरमेलन जूस और साबुदाना अभी खा लेंगे, बज रहा है, समय बज रहे हैं 3:30। अभी इनको भी फ़ोन किया था तो उठाए नहीं फ़ोन, तो अभी मैं और भाभी खा लेंगे, क्योंकि साबुदाने का जो खिचड़ी है ना ठंडा होने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो बस खाते हैं। हम लोगों ने खा लिया है और समय बज चुका है 4:30-5:15 बजेगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अब रात को भी कुछ खाएंगे ऐसी कुछ बनाऊंगी मैं, लेकिन ये ब्लॉग यहीं पर एंड हो रहा है। तो अगर आपको इस ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा होगा, तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।